गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ऑनलाइन कक्षा के अंदर टेंस का अध्ययन करेंगे। टेंस का उपयोग हर कक्षा के अंदर होता है और इसके अंदर कई प्रकार के उपयोग होते हैं। चलिए आज हम सीखते हैं टेंस। टेंस का हिंदी नाम होता है काल। जैसे हिंदी के अंदर तीन काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, वैसे ही अंग्रेजी के अंदर तीन टेंस होते हैं। पहला आता है प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में वर्तमान काल कहा जाता है। दूसरा होता है पास्ट टेंस, जिसको हिंदी में भूतकाल कहा जाता है। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, जिसको भविष्य काल कहा जाता है। वर्तमान काल जो वर्तमान में चल रहा है, जैसे मान लो आज तारीख है 21, तो ये वर्तमान काल, ये आज की तारीख हो गई। पास्ट टेंस जो बीत गया, कल क्या दिनांक थी 20, तो इसका मतलब वो बीत गया, वो भूतकाल हो गया, बीता हुआ कल भूतकाल। फ्यूचर टेंस जो आगे आएगा, यानी नेक्स्ट डे जो तारीख होगी वो भविष्य काल के अंदर मानी जाएगी। जैसे नेक्स्ट है कल 22 तारीख होगी, तो वो फ्यूचर टेंस के अंदर मानी जाएगी। प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं। जैसे हमने सबसे पहला लिया प्रेजेंट टेंस, जिसका हिंदी नाम होता है वर्तमान काल। प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं। पहला नाम होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके सब के अलग अलग अपने वाक्य बनाने के नियम होते हैं, वो हम आगे सीखेंगे। सब हम टेंस के जो चार प्रकार होते हैं उनके नाम अपन पहले सीख लेते हैं। दूसरा टेंस आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस होता है भूतकाल, जो पीछे काम हो गया था। इसके अंत में आता है था, थी, थे। पास्ट, इसका पहला प्रकार होता है पास्ट सिंपल टेंस, दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, इसी प्रकार हम फ्यूचर टेंस के प्रकार देखते हैं। फ्यूचर टेंस के भी चार प्रकार होते हैं। पहला होता है फ्यूचर सिंपल टेंस, दूसरा होता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चौथा होता है फ्यूचर परफेक्ट और कंटिन्यूस। इसके अंत में अपने वो गा, गी, गे, ऐसे वाक्य देखने को मिलेंगे। चल आइए सबसे पहले आज हम प्रेजेंट टेंस का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल को सीखते हैं। प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं और प्रत्येक भाग में चार प्रकार के वाक्य बनते हैं। कितने प्रकार के वाक्य बनते हैं? चार प्रकार के वाक्य बनते हैं। सबसे पहला वाक्य आता है सकारात्मक वाक्य, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। ये एकदम सीधा साधा वाक्य होता है, सिंपल वाक्य होता है। जैसे राम घर जाता है, तो ये एकदम सकारात्मक वाक्य हो गया। इसमें न तो नहीं शब्द आएगा, न ही प्रश्नवाचक शब्द आएगा। दूसरा वाक्य आता है नकारात्मक, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है नकारात्मक, अगला नहीं का उपयोग करेगा। नकारात्मक वाक्य, जैसे राम घर नहीं जाता है, तो इसके नाम से पता चल रहा है कि नकारात्मक वाक्य, अगला इसमें नहीं शब्द का उपयोग किया जाता है। तीसरा आता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब हो गया इसमें अगला अपने से प्रश्न पूछेगा और वाक्य के लास्ट में अपने को प्रश्नवाचक जरूर मिलेगा। चौथा प्रकार का वाक्य आता है जिसमें प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, जिसमें अगला प्रश्न भी पूछेगा और नकारात्मक शब्द यानी नहीं शब्द या ना शब्द भी मिलेगा, और लास्ट में अपने को क्या मिलेगा? प्रश्नवाचक का चिन्ह अवश्य मिलेगा। तो हमने टेंस के तीन प्रकार हो गए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और प्रत्येक टेंस के चार रूप होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट सिंपल, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट और
कंटिन्यू टेंस। और प्रत्येक भाग के अंदर चार प्रकार के वाक्य बनते हैं। टेंस कितने होते हैं? तीन। इनके प्रकार कितने होते हैं? चार। तो कुल कितने हो गए? बारह। प्रत्येक के अंदर वाक्य कितने बनेंगे? चार। तो लगभग अपने पास 48 प्रकार के वाक्य होंगे, लगभग 48 वाक्य। ठीक है, आगे हम चलते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल का अध्ययन करेंगे। आज कौन सा अध्ययन करेंगे? प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट टेंस का पहला रूप आता है प्रेजेंट सिंपल। जैसे इसका नाम से पता चल रहा है कि सिंपल वाक्य बनेंगे इसके अंदर। और प्रत्येक टेंस के अंदर पहले चार प्रकार के वाक्य बनेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल इसका पहला भाग हो गया। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल की पहचान। अपन शुरुआत करते हैं हिंदी वाक्यों से, यानी प्रेजेंट सिंपल की पहचान कैसे करेंगे। तो हिंदी वाक्यों के अंत में, यानी कोई हिंदी से अपने को अंग्रेजी बनानी है तो पता कैसे चलेगा? तो हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आना चाहिए? ता है, ती है और ते है, या ताम। यानी प्रेजेंट सिंपल की पहचान, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है या ताम। यही हम अंग्रेजी वाक्यों के अंदर देखें कि किस टेंस का वाक्य है, तो अपने को अंग्रेजी वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगा हुआ मिलेगा। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होगा, उस वर्ब के साथ एस या ईएस लगा होगा, या एकवचन कर्ता जैसे ही, रीड। यानी एकवचन कर्ता के साथ वर्ब के साथ एस या ईएस लगने को मिलेगा। यदि बहुवचन कर्ता है जैसे वी, वी क्या होगा? रीड। क्या होगा? रीड। यानी वी और रीड, इसके साथ एस या ईएस नहीं है, इसका मतलब ये बहुवचन है। ही एकवचन है, इसके साथ भी वर्ब को भी क्या लगाएंगे? एकवचन। इससे हम अंग्रेजी वाक्यों की पहचान कर सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल का पहचान हो गई। अब पहचान से हमें पहला कौन सा वाक्य लेना है? हमें पहला वाक्य लेना है सकारात्मक वाक्य। कौन सा लेना है? सकारात्मक। सकारात्मक वाक्य लेना है। तो सकारात्मक वाक्य की क्या पहचान होती है? हिंदी वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए? ता है, ती है, ते है, आने चाहिए। जैसे मान लो अपने वाक्य के उदाहरण से समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया वह स्कूल जाता है। तो वह स्कूल जाता है, तो सबसे पहले हमें टेंस की पहचान करनी होगी। टेंस कौन सा है? है, इसका मतलब आज की तारीख है, तो वर्तमान काल हो गया। ता है, इसका मतलब कौन सा हो गया?
प्रेजेंट और सिंपल। प्रेजेंट सिंपल की क्या पहचान बताई थी, ता है, ती है, ते है, ठीक है, तो ये इसकी पहचान होगी। तो सबसे पहला क्या काम करना होगा, अपन हिंदी वाक्य से को हिंदी अंग्रेजी वाक्य में बदलते हैं तो हिंदी वाक्य के अंत में है ता, यानी है इसका मतलब वर्तमान काल, ता है इसका मतलब क्या होगा, सिंपल है। कौन सा सिंपल होगा, प्रेजेंट सिंपल होगा। अब इसके अपन अंग्रेजी बनाते हैं, तो अंग्रेजी के एक दिन हमें वाक्य का स्वरूप पता होना चाहिए। तो वाक्य के स्वरूप के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, क्या चाहिए, सब्जेक्ट। उसके बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, यदि वाक्य में हो, नहीं हो तो वर्ब, वर्ब भी कौन सी लगेगी, फर्स्ट फॉर्म। और लास्ट में क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। और लास्ट में एडवर्ब, यदि कोई होता है तो, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो यदि वाक्य बनाने से पहले हमें क्या आना चाहिए, इसके स्ट्रक्चर की जानकारी होनी चाहिए। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या आना चाहिए अपने को, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम को करता है, यानी काम को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है वर्ब, एक होती है हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब यानी क्रिया से पहले लगती है वो हेल्पिंग वर्ब, और जो क्रिया जिसमें किसी काम का होना पाया जाता है वह वर्ब होती है। उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, जिसके द्वारा काम किया जाता है। उसके बाद जो शेष वाक्य बच जाता है एडवर्ब, वो उसके आगे लिख दिया जाता है। तो इसमें काम को करने वाला कौन है, वह। क्रिया क्या है, जाता है, जाना। कहाँ जाना है उसको, स्कूल, इसके अलावा कुछ है नहीं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो गया, वह, क्रिया होगी और ऑब्जेक्ट हो गया। ये तीन चीजें अपने को मिल गई, तो सबसे पहले क्या आएगा इस वाक्य में, सब्जेक्ट, ठीक है। तो वह, वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही। यहाँ पे क्या लिखा है, ता है, इसका मतलब पुरुष है। पुरुष के लिए वह की अंग्रेजी होगी ही, क्या होगी, ही। अपने को बाद में क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर आती नहीं है, प्रेजेंट सिंपल के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। तो अपने को वर्ब चाहिए, वर्ब क्या होगी, गो, क्या होगी, गो। क्या गो एकवचन है, नहीं, यानी जो वर्ब का आधार रूप होता है वो हमेशा बहुवचन होता है। क्या होता है, जो वर्ब का आधार रूप होता है वो हमेशा बहुवचन होता है, इसलिए इसके आगे हम ईएस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ईएस। फिर बता देता हूं, जो क्रिया होती है उसका जो आधार रूप होता है, फर्स्ट फॉर्म होती है, वो हमेशा क्या होती है, बहुवचन होती है। यदि उसके आगे एस या ईएस लगा देते हैं तो वह वर्ब एक वचन बन जाती है। तो ही गोज, क्यों लगाया, ही क्या है, एक वचन है, तो वर्ब भी क्या आनी चाहिए, एक वचन आनी चाहिए, ठीक है। यानी ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर आनी चाहिए। ही गोज कहाँ जाना है, स्कूल जाना है, तो इसलिए टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। मैंने आपको पहचान बताई थी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, टी है, ते है, और अंग्रेजी के अंदर अपने को क्या मिलेगा, एस या एस लगा हुआ मिल जाएगा यदि एक वचन लगता है इसी, ठीक है। अब अपने को क्या आना चाहिए, एक तो हमें सब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए, इसकी सब्जेक्ट की, यानी काम को करने वाला कौन है। दूसरा हेल्पिंग वर्ब यदि उस वाक्य में होती है। तीसरी हमें वर्ब की जानकारी होनी चाहिए, वर्ब यानी क्रिया जिसमें काम का होना या पाया जाता है, काम का करना या होना पाया जाता है। ऑब्जेक्ट जो काम को करता है। बाद में जो शेष वाक्य बच जाते हैं वो लास्ट में लिख दी जाती है। इसी से संबंधित यहाँ पे मैंने कुछ क्रियाएं लिख रखी है। क्रिया सबसे पहले मैंने ली है जी ओ गो, गो यानी जाना।
ऐसे ये COME कम कम यानी आना, DO डू यानी करना, GIVE गिव देना, RUN रन दौड़ना, SLW स्लीप यानी सोना, DRIN के ड्रिंक यानी पीना, BANCE डांस यानी नाचना। कुछ वर्ब मैंने दिए जिनको अपन डेली यूज में काम में लेते हैं, वर्ब बहुत सारी होती है, आपको याद भी करनी पड़ेगी। इसी से संबंधित मैं कुछ आपको करता करता जैसे आई बी यू दे, ये कौन से होते हैं? बहुवचन, बहुवचन कर्ता होते हैं। कौन से कर्ता होते हैं? बहुवचन कर्ता हो गए। इसी के साथ में अपन ले लेते हैं ई सी इट और आई। आई तो ऊपर ले लिया, तो आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब आप, दे का मतलब वे। इनको बहुवचन कर्ता की श्रेणी में माना जाता है। ही सी इट एक होता है नाउन, वो भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। ही सी इट नाउन कौन सा? एकवचन। जैसे राम आ गया, सोहन आ गया, महेश आ गया, अकेला नाम है इसका मतलब एकवचन होगा। राम एंड श्याम आ गया तो वो बहुवचन कर्ता की श्रेणी में आएगा। ये तो कुछ कर्ता हो गए, ये कुछ क्रिया हो गई। इन चीजों को आपको याद करना पड़ेगा। हम प्रेजेंट सिंपल पढ़ रहे थे। प्रेजेंट सिंपल का पहला वाक्य है सकारात्मक वाक्य, इसकी पहचान हो गई थी, एक दो हमने वाक्य बना लिए थे। अब सकारात्मक वाक्य का नियम क्या होता है, यानी उसके अंदर वाक्य बनाते कैसे? तो सबसे पहले आपने बता दिया सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा? सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी। वर्ब कौन सी आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। यदि सब्जेक्ट क्या है? एकवचन है। सब्जेक्ट क्या है? एकवचन है। सब्जेक्ट यदि एकवचन है तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना है। बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, जो काम को करने वाला, क्या काम करता है? जैसे राम स्कूल जाता है तो राम तो सब्जेक्ट हो गया, जाना क्रिया हो गई, कहाँ जाता है वो सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद एडवर्ब जो भी बच गया वो लिखते हैं। ये तो हो गया एक वचन वाक्य। अब इसी दूसरा वाक्य बनेगा जिसमें कर्ता कौन सा आएगा। जैसे सब्जेक्ट हो गया तो सब्जेक्ट कौन सा हुआ? बहुवचन। सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? बहुवचन है। तो क्रिया की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। एस ई एस नहीं लगेगा, एस या ई एस नहीं लगेगा, क्योंकि एक वचन की कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया आती है। क्रिया का जो फर्स्ट फॉर्म होती है यानी जो आधार रूप होता है वो हमेशा बहुवचन होता है। क्या होता है? बहुवचन यानी प्लूरल वर्ब होती है। ये सारे के सारे प्लूरल वर्ब है, इनके साथ एस या ईएस लगाने से ये एक वचन बनेगी। तो एक वचन कर्ता के साथ एक वचन क्या आएगी? क्रिया आएगी। यहाँ पे बहुवचन कर्ता है इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, बाकी जो बच गया वो फुल स्टॉप लगा देंगे लास्ट में। सकारात्मक वाक्य में क्या होगा? एकवचन कर्ता आने पर वर्ब के साथ एस या ईएस लगाएंगे, बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है,
ऐसे ही बहुवचन कर्ता होने पर वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, जो उसका आधार रूप होता है वो हमेशा बहुवचन होता है, तो बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन वर्ब आएगी, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, ये तो है सकारात्मक वाक्य का नियम। अब इससे हम कुछ वाक्य बनाते हैं, जैसे अपन हिंदी का एक वाक्य लेते हैं, राम स्कूल में पढ़ता है। तो देखो इसको वाक्य को पढ़िए, राम स्कूल में पढ़ता है, तो लास्ट में क्या आ रहा है इसका मतलब ये कौन सा हो गया, प्रेजेंट, ता है इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल हो गया। तो यानी हमने टेंस की पहचान कर ली। अब टेंस की पहचान करने के बाद हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और पढ़ना क्या होगी, क्रिया होगी, क्या होगी, वर्ब, और स्कूल क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, बाकी कुछ इसमें है नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, राम की अंग्रेजी, राम, राम सिंगुलर है या प्लूरल, तो राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नाउन है, और अकेला है इसलिए सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। पढ़ना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रीड कहते हैं, क्या कहते हैं, रीड, R E A D। रीड, राम रीड, तो ये जो उसका आधार रूप होता है वो क्या होता है, बहुवचन होता है, इसलिए हम इसके साथ क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। बाद में कहाँ पढ़ता है, राम रीड से इन स्कूल, कहाँ पढ़ता है, स्कूल में, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, स्कूल हो गया। आई बात समझ में, ऐसे दूसरा वाक्य लेते हैं, वे मैदान में दौड़ते हैं। तो देखो सबसे पहले है इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है, ते हैं इसका मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट सिंपल हो गया। तो हमें वाक्य में टेंस का पता चल गया, ये कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है। तो सबसे पहले हमें कर्ता को ढूंढना होगा, कर्ता यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा है, वे, क्रिया कौन सी है, दौड़ना, वर्ब, और कहां दौड़ते हैं, मैदान में, तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट, वे की अंग्रेजी क्या होती है, अभी लिखाया था, दे, और दौड़ने की अंग्रेजी होती है रन, तो रन सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि रन क्या है, ये कि फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होती है, प्लूरल होती है। दे भी क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है, इसका मतलब दे रन इन द या इन ग्राउंड। They run in ground, वे मैदान में दौड़ते हैं। तो ये हमारा सकारात्मक वाक्य हो गया। सकारात्मक वाक्य में आपको इतना ध्यान रखना है, एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया आएगी और बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया आएगी।
पहले हमने सकारात्मक वाक्य पढ़ा था, अब हम पढ़ते हैं नकारात्मक वाक्य, इसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। इसमें भी रोल वही है, एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया, एक बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया आएगी। तो सबसे पहले रोल हमारा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, यानी एक वचन कर्ता के साथ है एक वचन। लेकिन अब इसमें क्या होगा, नोट का उपयोग होगा, नोट का उपयोग होगा यदि सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है, क्या है एक वचन है, तो इसमें सही इसमें डच नोट का उपयोग होगा, क्या होगा डज नोट का उपयोग होगा। इसमें डज नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होगा। यदि सब्जेक्ट क्या है, एकवचन है, एकवचन के साथ हमें क्या लगाना है डज नोट, क्या लगाना है डज नोट, वाक्य कौन सा हो नकारात्मक, सब्जेक्ट प्लस डज नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब लास्ट में प्लीज स्टॉप। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य, यदि सब्जेक्ट क्या हो बहुवचन, क्या हो प्लूरल हो, प्लूरल के अंदर ही सॉरी दे यू वी प्लस, तो यहां पे क्या लगाया था डू, क्या बहुवचन है इसके साथ ईएस जोड़ दिया तो क्या होगी एक वचन हो गया, तो सब्जेक्ट क्या है एक वचन और वर्ब भी क्या हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी एक वचन होगी, तो बहुवचन सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब कौन सी आएगी सिंगुल सॉरी प्लूरल आएगी, प्लूरल के साथ अपन क्या लगाएंगे डू नॉट, ये कौन सी है बहुवचन, यहाँ पर भी कर्ता कौन सा है बहुवचन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसा जो आधार रूप होता है वैसा का वैसा लिख देंगे। इन जो वर्ब के साथ एस या एस लगना था वो इसके साथ लग गया, और बहुवचन जो वर्ब होती है उसके साथ कुछ नहीं लगता एस या एस, तो हमने यहाँ पे डू को सीधा लिख दिया। ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब लास्ट में प्लीज स्टॉप। तो एक वचन वाक्य में हमें क्या लगाना है सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब सब, और बहुवचन वाक्य में क्या करना है तो सब्जेक्ट कैसा हो बहुवचन हो तो हमें डू नॉट का उपयोग करना है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट यानी वर्ब के साथ इस वाक्य में एस या एस नहीं लगाना है, जो लगना है वो डू के साथ लग जाएगा। आइए हम उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे कि लिया मैंने वह नहीं खेलता है, तो वाक्य की पहचान वही का तरीका अपने को, तो अंत में क्या आ रहा है आ रहा है, लास्ट में क्या है ता है, तो ता है ती है, तो ये प्रेजेंट सिंपल हो गया। और वाक्य में नहीं शब्द भी आ रहा है, इसका मतलब वाक्य कौन सा हुआ प्रेजेंट सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस, कौन सा हुआ नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो नेगेटिव का यानी वाक्य कौन सा हुआ नकारात्मक, एंस कौन सा हुआ प्रेजेंट सिंपल। अब अपने को वाक्य के स्ट्रक्चर के अंदर आना है, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट कैसा है सिंगुलर, यहाँ से पता चलता है प्लस ये होगी वर्ब, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो अपन वाक्य बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे ही, ठीक है खेलना वर्ब है लेकिन वर्ब से पहले क्या लगाना है तो सिंगुलर है इसलिए यहां पे लगेगा डज नॉट
ही डज नॉट प्ले, खेलना की अंग्रेजी क्या होती है प्ले। भी देखो यहाँ पे क्या है, ही डज नॉट प्ले, प्ले ये कौन सा है जो इसके साथ लगना था वो इसके साथ लग गया, इसलिए ये जो वर्ब प्ले है इसके फर्स्ट फॉर्म में लगा देंगे, आगे कुछ है नहीं इसलिए फुल स्टॉप लगा देंगे। इसी तरह दूसरा वाक्य देखते हैं अपन, हम बाजार नहीं हम बाजार नहीं जाते हैं। तो सबसे पहचान का तरीका लास्ट में है, इसका मतलब वर्तमान ते है, कौन सा हुआ प्रेजेंट सिंपल है, इसका मतलब प्रेजेंट कौन सा ते है सिंपल, वाक्य कौन सा है नहीं आ गया, इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस आ गया। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट कैसा होगा प्लूरल जानते हैं, तो वर्ब कहाँ जाना है बाजार, ये क्या होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वी की अंग्रेजी सॉरी हम की अंग्रेजी होती है वी, अभी आपको बताया नकारात्मक वाक्य में क्या लगाना है डू नॉट, वर्ब सॉरी सब्जेक्ट कैसा है प्लूरल, प्लूरल है इसलिए डू नॉट का उपयोग होगा, वर्ब क्या है वी डू नॉट गो टू, यही यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही आएगी गो टू मार्केट। इतनी बात समझ में आ गई, फिर नकारात्मक वाक्य की पहचान क्या होगी, अपने को नहीं शब्द मिलेगा, इसमें भी नहीं है इसका अलग, ये नकारात्मक वाक्य है। कुछ आपको यहाँ पे मैंने क्लियर लिख रखी है, इनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना और याद करना। जो बात समझाई गई है वो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। इसी से संबंधित कुछ उदाहरण आपको दे देते हैं। आज हमने दो प्रकार के वाक्य पढ़ लिए, प्रेजेंट सिंपल के एक तो हो गया सकारात्मक वाक्य और दूसरा हो गया नकारात्मक वाक्य। तो आज का गृह कार्य आप अपने घर पर अभ्यास करेंगे, वह नाचती है, दूसरा वे स्कूल जाती है, राम गृह कार्य नहीं करता है। वे नहीं नाचती है। देखो पहला वाक्य वह नाचती है प्रेजेंट सिंपल सकारात्मक वाक्य, वे स्कूल जाते हैं प्रेजेंट सिंपल सकारात्मक वाक्य, राम गृह कार्य नहीं करता है कौन सा है नकारात्मक वाक्य, वे नहीं नाचते हैं ये भी कौन सा हो गया नकारात्मक वाक्य। तो आज हमने प्रेजेंट सिंपल के दो प्रकार के वाक्य सीखे, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे, अगर किसी प्रकार की त्रुटि रही हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमें सूचना भेज सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।